वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो ऑफ माइंड माइंड मैंने इस गेम को थोड़ा सा ऑफलाइन खेला है एंड ऑफलाइन खेलने के बाद देर आर सम लिटिल चेंजेस इन अवर कासल एंड आप लोग बोल रहे थे कि तेरा है, आ, में बनाते थे। लेकिन अभी आप जो देखने वाले हो उसको देखने के बाद आपको झटका लग सकता है हर सकता है वेट 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 जैसे आप देखोगे ना आपको इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा ठीक है मुझे कुछ भी कर इस वीडियो पर दस हजार लाइक चाहिए प्लीज गाइज क्योंकि बिल में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है तकरीबन मैं दो घंटे तक इसको बिल कर रहा और फाइनलीजर कासल तो अभी मैं आपको मेरा कासल दिखाने वाला हूँ लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर अपनी इस वीडियो को लाइक नहीं करें तो प्लीज़ यार लाइक कर दो क्योंकि मैं यार डेली वीडियोस माइनक्राफ्ट के बना रहा हूँ एंड माइनक्राफ्ट के वीडियोस बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है बट आई लव माइनक्राफ्ट सो सोइ लेट्स गो सबसे पहली चीज आप लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि ये जो रेड कारपेट है इसके बीच में मुझे व्हाइट कारपेट लगा देना चाहिए तब ये और भी ज्यादा अच्छा लगेगा एंड गिस वॉट मैंने एकदम वैसा ही किया है रेड कारपेट के बीच में मैंने व्हाइट कारपेट लगा दिया है That's why ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है आई I मीन mean, सही में बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है तो ये तो था हमारे कासल का एक्सटेरियर आई मीन आउटसाइड अभी मैं आपको कासल की इन दिखाने वाला हूँ एंड वो तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बनी है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ लेट्स गो क्या आप तैयार है Here we go! Yeah, ये चीज बनाने में सीरियसली मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा है तो आपको मैं तमीज से हर एक अभी चीज दिखाने वाला हूँ तो जैसे हम कसल के अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर व्हाइट कारपेट है व्हाइट कारपेट बहुत ज्यादा खूबसूरत होता है एंड देन यहाँ पर एक कोबल स्टोन की मैंने एक वॉल बना दी है एंड कोबल स्टोन के बाद यहाँ पर थोड़ी सी स्टेर है एंड मैंने ना इसको एक ब्लॉक ऐसा नीचे करा है ताकि इसकी हाइट ना थोड़ी सी ज्यादा बढ़ सके आई I मीन mean, जब ये ऊपर था ना तो ये बहुत ज्यादा छोटा लग रहा था तो जैसे हम इसके अंदर एंटर करते हैं यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग है एकदम वुडन टच देन यहाँ पर थोड़े से कारपेट्स है एंड देन यहाँ पर मैंने दो पिलर्स लगाए हैं आई I मीन mean, इसको देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यार ये एक महल है महल जैसी इसकी लुक आनी चाहिए दैट्स यहाँ पर थोड़े से पिलर्स लगा दिए दो पिलर्स एंड ये जो पिलर है ये मैंने डेडिकेट -डे किया है हमारे चीकू के लिए तो देखो लास्ट टाइम मैंने चीकू के लिए यहाँ पर एक ग्रेव बनाई थी लेकिन मैंने वो ग्रेव तोड़कर ये पूरा का पूरा जो पिलर है वो चीकू के लिए मैंने रिप्रेजेंट किया उसके लिए मैंने अर्पित किया है सो इस कॉलम का नाम है चीकू कॉलम <laughs> मतलब सुनने में बहुत वेड लग रहा है लेकिन हाँ इस कॉलम का नाम चीकू कॉलम है एंड देन जैसे हम यहाँ से सामने की तरफ जाते हैं यहां पर हमारा एक चेस्ट रूम है एंड ये मैंने यहाँ पर घंटी लगा दी है जो बच नहीं रही है व्हाट द हेल्प ये वाले चेस के अंदर सारे के सारे मेरे वुड रहने वाली है ये वाला नीचे वाला पर सारे के सारे के स्टोन्स यहाँ पर सारा का सारा खाना तो मैंने एकदम सारी चीजें स्पेसिफिक कर दी है एंड जो बाकी के चेस है ना वो सारे भी खाली है उनके अंदर मैंने अभी कुछ रखा नहीं है एंड ये वाला चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर हमारे डायमंड लास्ट वाले वीडियो में हमको डायमंड अगर आपने वो वाला वीडियो देखा नहीं तो प्लीज यार जाकर देख लो ये सीरीज बहुत अमेजिंग है एंड मैंने इसको पूरे दिल से खेल रहा हूं एंड इसके नीचे वाले चेस में सारा गोल्ड है आई I मीन mean, मैंने इसको ना ऐसा एक एक करके रखा है ताकि ज़्यादा लग सके एंड देन ये हमारा है इसके अंदर मैंने सारी अप्रिशियस हमको जितनी भी चीज़ें मिली है उनको मैंने यहाँ पर रख दिया है इनका भी यूज है लेकिन अभी नहीं है वो हम बाद में करेंगे देन इसके बाद बारी है हमारे बेडरूम की जो कि हमारा स्पेशली वुडन टच बेडरूम है एंड ये एक मंदिर की तरह लग रहा है आई I मीन mean, मेरे को ना इसको बनाते वक्त समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसको कैसे बनाऊ तो मैंने इसको दो तीन बार तोड़ा इसको फिर से बनाया एंड फाइनल uh, ये आया है आई I मीन mean, जो उसका आउटकम है फाइनल वो ये आया है एंड काफ़ी ज़्यादा ओपी लग रहा है अगर हम इसके अंदर जाएंगे तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी वुड लगा दी है ये स्लैब्स वगैरह सो दैट्स दट इसको देख ना वो राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है तो अभी बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रही है मैं सो जाता हूँ एंड सुबह होने के बाद मैं आपको ऊपर वाला फ्लोर दिखाने वाला हूँ एंड आपको बताऊंगा कि हमारे कांसल के अंदर मतलब पहले वाले वीडियो में यहाँ पर दो स्टेयर्स थी उनको मैंने तोड़ दिया है क्योंकि यार वो ज्यादा ही बकवास लग रही थी एंड उनको मैंने रिप्लेस कर दिया है लैडर्स की मदद से तो ये है एक लाइडर यहाँ चलेंगे एंड ये हम आगे हमारे कासल के ऊपर की तरफ एंड देखो मैंने यहां पर दो दो लैडर्स लगा दी है आई I मीन mean, हम यहाँ से ऊपर जा सकते हैं आई मीन नीचे भी आ सकते हैं ऊपर भी आ सकते हैं एंड अगर हम सामने की तरफ देखेंगे तो हमारा कासल कुछ ऐसा लगता है भाई साहब वो जो एंट्रांस है वो कितना औसम लग रहा है वो रेड एंड व्हाइट कारपेट की मदद से आई मीन वो जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत ज्यादा औसम है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने नीचे उतरने के लिए एक मतलब वो जो वॉल थी ना स्टोन वॉल उसकी मदद से मैंने यहाँ पर एक एंट्रेंस बना दिया यहाँ पर जाने के लिए एंड यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए एंड अगर आप आसपास देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने बाउंड्री वॉल लगा दिया है ताकि यहाँ पर कोई स्पॉन ना हो सके या मतलब वो जो कोई क्रीपर वगैरह होता है या झोंबे वगैरह होता है वो यहाँ से यहाँ पर आ ना सके आई मीन लास्ट वाले वीडियो में क्या हुआ था जब मैं इसको ये बना रहा था ना तो यहाँ से यहाँ पर दो तीन क्रीपर आए थे एंड वो फूट गए थे सो दैट्स वाई मैंने सोचा कि यहाँ पर मुझे एक बाउंड्री वॉल लगा देनी चाहिए एंड वैसे भी यहाँ पर ये यह स्लैब्स है तो स्लैब्स के ऊपर तो कोई क्रीपर स्पॉन नहीं होता तो स्लैब्स का यही फायदा होता है एंड यो चीज़ है ना वो मुझे एक टाइप का एलिवेटर जैसा लग रहा है आई मीन एलिवेटर ऐसे ही होता ना एलिवेटर जो हम मतलब बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए यूज़ करते तो वो कुछ एग्जैक्टली exactly ऐसा ही होता है तो ये देखने में काफी ज्यादा ओपी लग रहा है आई होप गाइज आपको हमारा कासल पसंद आया होगा एंड आपको भी ना मैं इसको थोड़ा सा बाहर से भी दिखा देता हूँ कि बाहर मैंने एक्चुअली क्या किया है जो हमको डीप स्लेट कोबल स्टोन मिला था ना उसका मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा यूज किया है तो वो भी मैं आपको बाहर से एक बार दिखा देता हूँ आई मीन जो हमारा एंट्रेंस वॉल है ना वो अभी काफी ज्यादा ओपी लग रहा है डेंजरस लग रहा है आई मीन जो बड़े बड़े कांसल होते थे ना आई मीन पुराने जमाने में वो एक्जैक्टली ऐसे ही दिखते थे आई मीन उनके वॉल वगैरह वहां पर जो स्टोन इस्तेमाल किया जाता था वो एक्चुअली या एक्जैक्टली ऐसे ही था सो दैट

जैसा हमने वहाँ पर हमारा बेडरूम बनाया ना वैसे कोई चीज मुझे यहाँ पर भी बनानी है लेकिन मुझे जब मैं इसको बना रहा था तब समझ नहीं आ रहा था कि मुझे एक्चुअली यहाँ पर क्या बनाना चाहिए तब मैंने सोचा कि मुझे आप लोगों से पूछना चाहिए कि मुझे यहाँ पर क्या बनाना चाहिए सो प्लीज लेट मिन दो कॉमेंट सेक्शन की मैं यहाँ पर क्या बनाऊँ तो अभी बात करते हैं आज की वीडियो की तो आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा ओपी है आज मैं कोशिश करने वाला हूँ किसी डॉग को टेम करने की क्योंकि यू नो अभी मेरे पास कोई भी एनिमल या पेट नहीं है जो हमारा सिकू था उसकी तो डेथ हो गई सो दैट्स दैट मेरे को ना बहुत लोनली फील हो रहा है मेरे पास बस एक ही है ये पिंक अः uh, इसी के साथ अभी मैं मिंजल रहा हूँ एंड कैसे और एक चीज ये जो फेंस है ना यहाँ का ये वाला मैंने फेंस तोड़ा है यहाँ पर मैंने ये वॉल लगा दी है एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ से मैं अंदर जा सकता हूँ देखो देखो मैं इससे अंदर आ सकता हूँ लेकिन ऐसे शिप्स बाहर नहीं जा सकती आई I मीन mean, मुझे गेट लगाने की भी कोई जरूरत नहीं देखो ये कितना है आई I मीन mean, बस मैं इसके अंदर आ सकता ऐसे ऐसे करके एंड शिप्स बाहर नहीं, नहीं बाहर नहीं निकल सकती एंड पर भी मैं ऐसे जा सकता हूं एनी चलते हैं डॉग को टेम करने के लिए डॉग हमारे इसी घर के साइड में मिलता है आई I मीन mean, इसी वाले में मिलता है सो so, लेट्स जल्दी से चलते हैं किसी डॉग को टेम करते हैं एंड पर ना एक बहुत बड़ी माइंड भी है मुझे इसके अंदर भी जाना है तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर भी चलते हैं लेकिन उससे पहले मुझे एक डॉग को टेम करना है डॉग इसी बायो में होता है समुद्र के नीचे भाई बहुत अजीब अजीब चीज़ें हैं मैं इस तरफ अभी तक आया नहीं हूँ मैंने मतलब मैंने अभी तक इसको एक्सप्लोर भी किया नहीं हमारे आसपास के वर्ल्ड को घर के पीछे वाली साइड पर तो कुछ भी नहीं है आई I मीन mean, इसी बयान में डॉग ही मिलते हैं लेकिन वो बड़ा वाला बायोम होता है तो मुझे उसके लिए ना किसी दूसरे बायोम के अंदर जाना पड़ेगा आई I मीन mean, जहाँ से हम आए थे ना वहाँ पर मुझे वो वाला ये वाला बायोम दिखा था ओके okay यार मैं आ गया घर पर वापस क्योंकि हमको वहाँ पर कोई डॉग ही नहीं दिखा तो एक काम करता हूँ मैं मैं ना उसी वाले विलेज के आसपास चलता हूँ जहाँ पर मुझे आई मीन जहाँ से मैं सबसे पहले यहाँ पर आया था क्योंकि वहाँ पर मुझे एक डॉगी दिखा था तो आई थिंक मुझे वहीं पर जाना चाहिए मेरे पास खाना वगैरह है इनफ ओके गाइज लेट्स गो अभी उधर ही चलते हैं कुछ भी कर मुझे आज एक डॉगी को टेम करना है मतलब मैं चाहता हूँ कि एक डॉगी हमारे पास होना चाहिए और आज के आज ही एंड ये आ गया वो विलेज जहां पर हम लास्ट टाइम आए थे यहाँ हम से हमको थोड़े से डायमंड्स मिले थे तो मुझे इसी तरफ जाना है आई मीन मैं इसी तरफ से इधर आया था एंड मुझे डॉगी भी इसी तरफ दिखा था सो आई थिंक मुझे इसी तरफ जाना चाहिए इसी डायरेक्शन में देन मेरे को डॉगी मिल जाएगा वैसे मेरे पास थोड़े से बोन्स भी है तो मैं उसको इजिली टेम कर सकता हूँ ओके गाइज देखो वही वाला बायोम चाहिए था उसी बायोम में डॉग्स होते हैं मुझे पता था एंड लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से आया था ना तो मुझे वहाँ पर एक डॉगी भी दिखा था लेकिन मेरे पास बोन्स नहीं थे दैट्स वे मैं उसको टेम नहीं कर पाया लेकिन अभी मैं टेम कर सकता हूँ भाई अभी जल्दी से चलते हैं एंड किसी डॉगी को टेम करते हैं एंड डॉ का नाम मैंने सोचा मैं ना उसका रखूंगा ओरियो आई I मीन mean, ओरियो जी <laughs> ये खाने का नाम हो गया ना लेकिन ओरियो नाम काफी सही लगता है तो ओरियो ही नाम रखने वाला हूं मैं उसका भाई कहां पर है डॉगी 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 अरे भाई साहब यहां पर तो मुझे बकरी दिखाई दे रही है डॉगी तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा ये बेरीज है ना ओके ये बेरीज है बेरीज है इसका मतलब यहाँ पर फॉक्सेस भी होंगे ओ भाई साहब क्या हो रहा है यहाँ पर तो भाई सी मुझ रही है मुझे बस अपने घर का रास्ता खोला नहीं है क्योंकि अभी मैं मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर हूँ भाई मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है मुझे याद रखना है एक काम करो हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी टॉर्चेस लगा देता हूँ ताकि मुझे याद रह सके कि मुझे कहाँ पर जाना है अगर मैं भूल गया ना इस डॉगी के चक्कर में देन दिक्कत हो जाएगी भाई कहाँ पर है डॉगी वॉट द हेल आई मीन अभी तक तो मुझे एक तो दिख जाना चाहिए था ना इसी वाला पर होता है चिकन तूने डॉगी को देखा है अरे बताना ओ वो दिख गया भाई फाइनली गाइस हमको मेरा डॉगी मिल चुका है तो अभी मैं जल्दी से इसको टीम कर लेता हूँ। ये ले भाई बोन भाई पहली बोन में टीम हो गया ओह वाओ हेलो हाय भाई तू आज से मेरा डॉगी है ठीक है तेरा नाम ओरियो है हैप्पी बर्थडे ओरियो तेरा आज बर्थडे है एंड तू क्या खाता है रे आ, ये तो वैसे रॉटन फ्लैश कहता है ना का ये ले थोड़े से और बोन्स खा ले भाई ये पहली बोन में टेम हो गया I mean, आई मीन नॉर्मल डॉग इस ना पहली बोन में टेम नहीं होते हैं यहाँ पर वैसे काफी सारे चॉइसिस थी लेकिन यू नो वॉट ये काफी अच्छा है चल भाई अभी मेरे साथ चल अपने घर पर सो so, फाइनली अभी हमको हमारा पार्टनर मिल चुका है एडवेंचर पार्टनर मतलब एडवेंचर पर वगैरह जाने के लिए भाई फाइनली हमको डॉग मिल चुका है एंड अभी, अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ आ जा मेरे पीछे पीछे आ ये पानी में आ सकता है ना आ जा भाई ओरियो मेरे पीछे पीछे आ जाओ ओरियो 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 नाम काफी अच्छा है आई मीन सही है आई I मीन mean, खाने वाली चीजों का नाम लग रहा है एक्चुअली ना मेरा एक कजन है एंड उसके पास जो डॉगी है ना उसने उसका नाम ओरियो ही रखा है दैट्स मैंने इसका भी नाम ओरियो रखा है आ जाओ ओरियो ओरियो बिस्किट <laughs> ये आ गया हमारा कासल सो गाइज फाइनली हमारे कासल के अंदर हमारा डॉगी आ चुका है जिसका नाम है ओरियो आ जा आ जा रेड कार्पेट के ऊपर आ जा ओके सो गाइज फाइनली हमारे घर के अंदर डॉगी आ चुका है आ जा भाई ओके ओके ये आ रहा है इसको सीढ़िया वगैरह भी चढ़ना आता है फाइनली गाइज ओरियो हमारे घर के अंदर आ चुका है आ भाई आ जा आ जा गॉड oh ये कितना क्यूट लग रहा है फाइनली गैस हमारे पास एक हमारा पेट आ चुका है एंड ये है कि सरोटन फ्लैश खाता है या आ, मीट खाता है ना तो मेरे पास मीट नहीं है मुझे थोड़ा सा मीट लाना पड़ेगा इसको खिलाने के लिए मैंने एक काम करता हूँ मुझे भी किसी भेड़ को मारना पड़ेगा क्योंकि मुझे ओरियो को थोड़ा सा खाना खिलाना है आई एम सॉरी गाइज बट यू हैव टू डाई जो मेरी पिंकी है उसको मैं नहीं मारूंगा बस आई I मीन mean, बाकी के मैं जो शिप से उनको मार सकता हूँ बस मैं पिंकी को नहीं मार सकता क्योंकि पिंकी हमारी सबसे रेयर भेड़ है तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा खाना ले लिया एंड अभी जल्दी से मैं ये खाना ओरियो को खिला देता हूँ ये ले भाई खा ले Oh, wow! इसको मैंने खाना भी खिला दिया परफेक्ट आज भी इधर आजा ये हमारे चीकू का स्तंभ है चीकू स्तंभ तो कहीं हमारा ओरियो है वो चीकू की ग्रेव के ऊपर बैठा है एंड आई थिंक चीकू इसको देखकर अभी खुश होगा होगा जहां पर भी अरे कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है वैसे अभी अंधेरा हो रहा है एक काम करता हूँ मैं सो लेता हूँ <laughs> अरे यार मॉन्स्टर्स नियर बाय कहाँ पर है मॉन्स्टर्स अरे मैं सो नहीं पा रहा हूँ मॉन्स्टर्स नियर बाय क्या हो रहा है एक मिनट में ना ओरियो को अपने साथ लेकर चलता हूँ क्योंकि यार ये भी मॉन्स्टर्स को मार सकता है ना बस क्रीपर नहीं होना चाहिए आसपास क्रीपर तो नहीं है ना आ जाऊ ओरियो हो रही हो कहाँ पर आई थिंक वो घर के अंदर ही है कौन है भाई कौन चौड़ा बन रहा है मेरे कासल के आसपास कौन घूम रहा है एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा अरे कोई भी नहीं है देन मॉन्स्टर्स नियर बाई क्यों दिखा रहा था आ जाऊ रही इधर आ जा अरे कोई भी नहीं है आसपास देन आई डोंट नो बाय फिर से एक बार अपने घर के अंदर चलते हैं ओके जॉम्बी है वहाँ पर आ जाओ रही घर के अंदर ये टेलीपोर्ट होता है ना ओके okay, आ ओके okay, आ गया आ गया। ये टेलीपोर्ट हो गया अभी सबसे पहले दरवाज़ा बंद करते हैं अरे बाहर मत जा अंदर आ अंदर ये टेलीपोर्ट होता है ये सबसे अच्छी बात है ये डायरेक्ट यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गया इसके ऊपर ओके क्या मैं अभी सो सकता हूँ वट द हेक मस्टर्स नियर बाय मैं यहाँ पर सो क्यों नहीं पा रहा आई I मीन mean, आस तो कोई भी नहीं है अरे यार इसको मुझे तोड़ना पड़ेगा इस वाले बेड को फिलहाल मैं अपने इस रूम के अंदर सो जाता हूँ आई मीन जो हमारा चेस्ट रूम है उसके अंदर सो जाते हैं भाई बिल्कुल हवा में ओरियो आ जाए एंड तू इधर बैठ जा अभी ना मुझे एक केव के अंदर जाना है आई I मीन mean, हमारे जो घर के पीछे वाले केव है ना मुझे वहाँ पर जाकर देखना है कि उसके अंदर एक्चुअली क्या है क्योंकि मैं वहाँ पर अभी तक गया नहीं एंड मैं इस वाले मिशन पर ना उसको आई मीन ओरियो को लेकर जाना नहीं चाहता क्योंकि यू नो वॉट डेंजरस मतलब मामला हो सकता है भाई आई मीन केव के अंदर बहुत सारे डेंजरस खतरे वगैरह होते हैं सो दैट्स वाय मैं उसको अभी लेना नहीं चाहता आई मीन अभी लेकर नहीं जाना चाहता लेकिन वहाँ पर जाने से पहले मुझे ना थोड़े से स्टिक्स बनाने पड़ेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा अंधेरा है लेट्स गो ओ नो मेरे पास ज्यादा खाना भी नहीं है भाई मेरे को थोड़ा सा खाना लेकर आना चाहिए था वहां पर एक स्पाइडर है एंड एक क्रीपर भी है आ oh! आ आ जाओ लो, आ जाओ जाओ भाई भाई लोग वाह मार 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 उसको मार <laughs> भाई इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी आई थिंक स्केलेटन ने ना स्पाइडर को मारा था ओ कोई भाई स्पाइडर मर गई तेरे को अभी मैं आओ oh! तेरे को अभी मैं मारूंगा खुद को क्या समझती है दो दो स्केलेटन्स ये चीटिंग है ये चीटिंग है एक मिनट टॉर्च लगा दो एक मिनट भाई रुक जाओ एक काम कर तू इसको मारना ओके मा फाइनली गाइस अभी इन दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है ओ भाई उसने इसको मार दिया शाबाश थैंक यू सो मच मेरा काम आसान करने के लिए तो ये भी बहुत बड़ी कैब है एक बार आसपास देख लेते हैं अरे ये बस बड़ी है आई I मीन mean... ओ वो नो 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 ओ नो 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 भाई मैं क्या कर रहा हूँ भाई शील्ड पकड़ ले भाई वो ओ क्रीपर भी है क्रीपर फूटा तो अच्छा होगा फुट 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 शाबाश स्केलेटन भी मर गया हम तो मरेंगे सनम तुम्हें भी लेट उबेंगे ऐसा उसका आजा ये बहुत नीचे तक तो जा रही है कि आई थिंक हमको यहाँ पर अच्छी लूट मिल सकती है आई होप ओ भाई साहब ओ वो भैया बहुत बड़ी एक मिनट भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है आई I मीन mean, यहाँ पर बहुत बड़ी कैब है लेकिन मुझे ना थोड़ा सा ऐसे कोल लेना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास टॉर्चेस अभी ख़त्म हो चुकी है मेरे पास यार खाना नहीं है मुझे ना थोड़ा सा खाना लेकर आना चाहिए था वैसे मेरे पास थोड़ी सी बेरीज है लेकिन बेरीज से कुछ नहीं होगा हेलो सर ओ छोटा बच्चा छोटा बच्चा बहुत बहुत ज़्यादा एनोइंग होता है आओ आओ ये बहुत एनोइंग होते हैं यार ये जोबिस के बच्चे

स्केलेटन्स की आवाज आ रही है इसका मतलब स्पॉनर वगैरह हो सकता है अगर हुआ तो मजा ही आ जाएगा ये। नहीं है भाई ये तीन, तीन रास्ते जा रहे हैं रुक 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 भाई रुक जा रुक मकड़ी मकड़ी रानी रुक जा रुक ना यार है, रुक जा क्या यहां पर वो एक मिनट में घूम फिर कर उसी जगह पर तो नहीं ना आ रहा नहीं एक मिनट यहां पर मुझे यार आवाज तो आ रही है स्केलेटन्स की कहाँ से आ रही है डेफिनेटली आप उनका स्पॉनर है डेफिनेटली देखो तो आवाज़ आ रही है कहाँ से आ रही है यहां से आवाज़ आ रही है मुझे यहाँ पर स्पॉनर होने वाला है वही स्पॉनर मिल गया तो यार मजे आ जाएगा मैं एक्सट्री फार्म बना सकते लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आयरन और है आयरन और दे दो यार एटलीस्ट आयरन और तो मिल जाए हेलो सर एक मिनट मुझे थोड़ा सा खाना खाने दो मेरे पास खाना ही नहीं है यार मैं खाना रहना भूल गया निकल भाई इधर से निकलो सर निकलो सर निकलो ओके okay. वैसे मेरा सभी रॉटन फ्लैश थोड़ा सा है तो मैं इससे काम चला सकता हूँ आप I mean, काम चला हुआ है प्लीज कोई अच्छी ओ तो यहाँ से आवाज़ आ रही थी इसके लेडन्स किया और मैं सोच रहा हूँ क्या उनका स्पॉनर है चलो भाई निकलो इधर से निकलो यार ओ इसका निशाना कुछ ज़्यादा ही पक्का है अरे यार क्या बकवास पक् ट्वेंटी फोर कोल मिला मुझे एक जगह से बहुत सही एंड ये क्या है ये वाइन्स है ना वो ग्लो वाइन्स या क्या बोलते हैं इस चीज़ को मेरे को अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पर स्पॉनर वगैरह हो सकता है लेकिन नहीं है यार <laughs> ये ग्रेवल ही बस यहाँ पर ओके गाइज अभी चलते यहाँ से बाहर बाहर जाने का रास्ता नहीं यहाँ से नहीं है कहाँ से भाई मैं भूल गया क्या यहाँ से मैं यहीं से अंदर आया था परफेक्ट तो ये वाली क्यों ज़्यादा बड़ी है नहीं आई I मीन mean बस दिखने में बहुत बड़ी लग रही थी बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है छोटी ही है तो मैं इस तरफ गया था एंड मैंने ये साइड भी चेक कर ली थी ना हम्म ये घूम फिर कर मैं उस जगह पर आ गया तो मेरे को लगा यार यहाँ पर मुझे स्पॉनर वगैरह मिल सकता है जैसे हमारे घर के पास अगर पास होता तो यार मज़ा ही आ जाता लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर स्पॉनर वगैरह है नहीं मेरे पास ना अभी जोम्बिस का रोटन फ्लैश भी है काफ़ी सारा तो मैं भी इसको ये खिला सकता ये ले भाई तेरे लिए मैं रोटन फ्लैश लेकर आया ओके <laughs> एंड okay, जो मेरे पास फर्नेस है यहाँ पर मैंने बहुत सारे फ़र्नेस लगा दिए दिखने में काफ़ी सही लगता है ये एंड तो थोड़ा सा कोल भी है तो कोल इसके अंदर डाल देते हैं परफेक्ट तो अभी मैंने उसके अंदर कोल वगैरह डाल दिया है एंड अभी मुझे एक बार बाहर जाकर मेरी ना खेती देखनी है आई मीन मैंने उसको तोड़ा ही नहीं है बस मैंने प्लान करके रखा था तो मैं जल्दी से खेती बाड़ी यहाँ से तोड़ लेता हूँ थोड़े से सीड्स वगैरह देख भाई ओरियो हमारे यहाँ पर खेती वगैरह चल रही है एंड ये जल्दी से यहाँ पर मैं सीड्स भी प्लान कर देता हूँ एंड जितना मेरे को मामला पानी मिला है ना वो मैं सारा शिप्स को भी खिला देता हूँ सारे के सारे सीड्स मैंने लगा दिए एंड जो भी सीड्स बाकी है आई मीन जो मेरे को वीट मिला है उनको मैं शिप्स को खिला देता हूँ आ जाओ भाई ये लो खा लो एंड बहुत सारे बच्चे पैदा करो फाइनली मैंने इनको खाना वगैरह खिला दिया और ओरियो चल तू क्या कर रहा है वहाँ पर ओरियो इनके ऊपर अटैक तो नहीं करता ना आई थिंक नहीं करता एंड नहीं करे तो ही अच्छा है अगर उसने उन शिप्स को मार दिया तो दिक्कत हो जाएगी अरे यार हट जाओ यार मुझे जाने दो अंधेरा भी ज्यादा काफी हो रहा है आई I मीन mean, काफी ज्यादा अंधेरा हो रहा है तो फिर से एक बार घर के अंदर चलते हैं सोते हैं ओझ्बी आई मीन ये घर के अंदर स्पॉन किसी हुआ ओरियो आओ मार इसको इसको मार ओरियो मार वो मारेगा इसको मार रहा है शबा शबाशोरी ऐसी मेरी रक्षा करना भाई वफादार डॉगे की तरह आई थिंक वो यहाँ पर स्पॉन हुआ था ओके okay, ओके okay, यहाँ पर ज्यादा टॉर्च नहीं थी ना दैट्स वाई वो यहाँ पर स्पॉन हुआ ओके okay, समझ गया मैं एंड यहाँ पर भी मैं दो और टॉर्चेस लगा देता ताकि सिमिलर हो जाए यहाँ से थोड़ा सा आयरन इंगट मिल गया इस आयरन इंगट की मदद से मुझे ना एक आयरन गोलम भी बनाना है लेकिन आयरन गोलम बनाने के लिए बहुत सारा आयरन चाहिए होता है उतना मेरे पास है नहीं नहीं है यार मैं बना सकता हूँ एंड उसके लिए पंपकिन भी चाहिए मेरे पास पंपकिन नहीं है ओके तो एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पर संभाल कर रख देता हूँ आयरन और को एंड मुझे और क्या मिला था और मुझे थोड़ा सा रॉ कॉपर मिला था मैं रॉ कॉपर को भी पिघला सकता हूँ क्या आई थिंक इससे देन कॉपर इंगट बनेंगे या कॉपर इंगट बन गया देखो इसका आवाज़ ना काफ़ी सही आता है आई मीन कॉपर का तो ये कॉपर भी मैं इंपॉर्टेंट वाले चेस्ट के अंदर रख देता हूँ आई मीन जो हमारा ये नीचे वाला चेस्ट है गोल्ड एंड कॉपर हम एक साथ रखेंगे तो यहाँ पर ये कॉपर एंड मुझे रॉ गोल्ड को भी पिघलाना है लेकिन वो यार दिखने मतलब ए दिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है दैट्स तो से मैंने अभी तक तो उसको पिघलाया नहीं है तो क्राफ्टिंग टेबल में पर लगाऊँ क्राफ्टिंग टेबल के लिए तो यहाँ पर जगह बची नहीं है एक काम करता हूँ यहाँ पर ना मैं इसको तोड़ता हूँ ये वाले कारपेट को यहाँ पर नीचे मैं क्राफ्टिंग टेबल लगा देता हूँ मतलब ये देखने में भी काफी सही लगेगा या ये काफी सही लग रहा है। यारे, क्या हो रहा है है क्या हो ये रुक रुक जा रुक ना अरे क्या इनकी प्रॉब्लम क्या है रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ एक मिनट रुक जा, 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 जा। आय जा, आ जा। आ जा। आ, आ जा कर रहा है Who? मरना यार कितने हिट लगते हैं इनको मारने में और यहां पर एक क्रीपर है हेलो, क्रीपर। आ! आ! <laughs> मरना भाई वो फूट गया आई I मीन mean, मरा नहीं वो निकल तू भी निकल इधर का बादशाह मैं हूँ ठीक है इधर मैंने इतना बड़ा कासल बनाया है जोक नहीं है ओके okay, तो मैंने को भी थोड़ा सा सबक सिखा दिया है पर एक शिप घूम रही है कैसा है बाहर बिजली चमक रही है और बिजली से सो जाते हैं अभी ना मुझे यहां से एक बोट बनानी है क्योंकि मुझे समंदर के अंदर जाना है आई I मीन mean, मुझे एक्सप्लोर करना है समंदर को भी एक बार आसपास ना मैं देख भी लेता हूँ कि समंदर के अंदर क्या क्या है तो मैंने यहाँ से एक बोट बना ली देखो आ गया समंदर यहाँ पर मुझे एक शिप वगैरह अगर मिल गया तो यार मजा ही जाएगा आई मीन शिपरेक बोलते हैं ना उसको तो अभी एक बार आसपास देख लेता हूँ मैं ओ वाह भाई यहाँ पर तो कितनी बड़ी खेब है ओ क्रीपर के साथ एंट्री हुई है वही दो दो ती, तीन तीन क्रीपर्स है आ जा भाई फूट ले फूट ले फूट गया बहुत सही यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अंधेरा है मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा आ बेबीजीज आर सो एनोइंग आर सो एनोइंग आ जा आ जा निकल इधर से निकल ले ये छोटे बच्चे होते हैं लेकिन डैमेज कुछ ज्यादा ही देते हैं निकल भाई ये भाग गया अरे भाग मत ना लड़ ले भाई और फूट जा फूट ले फूट ले फूट गया ब्लॉक द अटैक तीन तीन वो कितने सारे क्रिपरस है चार पांच क्रीपर्स है वो किस चीज की देन रक्षा कर रहे हैं वहां पर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है एक एक साथ फूट जा फूट जा फूट जा फूट जा फूट गया तीसरा भी फूट गया ना नहीं स्केलेटन है अभी आई थिंक मैंने तीनों को मार दिया अभी आ जा भाई तू भी, भी आ जा क्रिपर तो नहीं है ना अरे यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मेरे को क्या चीज़ है ये एक मिनट यहाँ पर एक रास्ता जा रहा है ऊपर भाई वाट द हैक आई मीन नहीं यार ये बस वो ये दूसरी तरफ आ रहा है यहाँ पर लावा बह रहा है वो बहुत बड़ी जगह ये तो यार बकवास जगह है बस ये खोखली जगह है यहां पर ये ओ दो तीन क्रीपर्स आ रहे हैं नो वे मुझे यहाँ से निकलना है तो मैं जल्दी से ऐसे अपनी बोट वे वो भाई मैंने प्रोट्री करी ओके okay, और ये आ गए मैं अपने घर के अंदर विल दैट मीन सीड गाइड्स आज के लिए बस भी था आई होप आपको हमारा आज का वीडियो बसना होगा एंड आज के वीडियो में हमारे पास हमारा एक नया पेट आ चुका है हमारा नया साथी जिसका नाम ओरियो है एंड आपको ये मेरा कसर कैसा लगा प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताओ एंड मुझे अगले वाले वीडियो में क्या करना चाहिए वो भी मुझे नीचे सजेस्ट कर दो एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग इन द नेक्स्ट वीडियो बाय गाइड्स